गोल्फ स्पोर्ट को अगर हमारे यूथ परस्यू करना चाहते हैं तो आप उनको कैसे इंकरेज करेंगे? ये सबसे अच्छी बात इस गेम में है जो इंडिविजुअल गेम है, और इस गोल्फ को खेलने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप एज ऑफ 5 साल से शुरू कर सकते हो और एज ऑफ 95 तक खेल सकते हो। तो यूथ के लिए एक अच्छी बात यह है जो आपको काफ़ी पेशेंस गेम है और बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट आना पड़ता है इसे खेलने के लिए। तो बेसिकली अगर जिसमें पेशेंस है वो आके गोल्फ खेल सकते हैं, बाकी जिसमें पेशेंस नहीं वो नहीं खेल सकते। गोल्फ एज ए स्पोर्ट में काफ़ी फोकस की ज़रूरत है, तो आप हमारे वैल्यूबल के यूथ ऑडियंस को इस स्पोर्ट में अगर अच्छा करना चाहते हैं वो तो क्या एडवाइस सजेशन देंगे? नहीं, बेसिकली ज़्यादा अकेडमी खोलना चाहिए, अपना गवर्नमेंट का यहाँ पर अकेडमी होना चाहिए जो काफ़ी लोग पता होना चाहिए गोल्फ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन अगर जब तक वो अकेडमी नहीं होगा तो ऑडियंस को पता नहीं है जो गोल्फ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये। तो पब्लिक गोल्फ कोर्स ज़्यादा खुलना चाहिए और उनको बताना चाहिए जो ये गोल्फ है इसको ऐसे खेलते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। गोल्फ अभी भी इंडिया में एक क्लास गेम कहा जाता है, इसकी क्लास अपील है, अगर इसको मास अपीलिंग बनाना है तो आपकी क्या सजेशन है? नहीं देखिए, ज़्यादा स्पॉन्सर आना चाहिए और ज़्यादा टूर्नामेंट होना चाहिए। और जैसे अभी इंडिया में लोग 10 साल पहले गोल्फ को नहीं जानते थे, लेकिन इंडिया में हमारे जो है आज के डेट में जो इंडियन प्लेयर है वो एशिया में और यूरोप में नंबर 1 है। तो लोग गोल्फ को इंडिया में धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं आप गोल्फ क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसमें बस यही है जो ज़्यादा टूर्नामेंट होना चाहिए, ज़्यादा स्पॉन्सर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और आके जैसे उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो गोल्फ में स्पॉन्सर आज के डेट में बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आज क्रिकेट में है उसको एक गुटका वाला भी पैसे देने के लिए रेडी है, लेकिन गोल्फ में ऐसा नहीं है। 13th टाटा ओपन गोल्फ अभी जस्ट कंक्लूड हुआ, आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और जमशेदपुर में 2 टूर्नामेंट जीता हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है जो ये डे बाय डे इनका टूर्नामेंट इतना अच्छा करते हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। जो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और मैं जब तक मेरे को मौका मिलेगा खेलने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा आता रहूँगा। 2014 अपने अंतिम क्षणों में और 2015 आने वाला जी, हमारे यूथ ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये दूंगा, जो पुराने बातें हो गई सब भूल जाइए, अब नए साल आने वाला है, लोगों के लिए अच्छा काम करिए, लोग को एंजॉय करिए गोल्फ के लिए और बी हैप्पी। थैंक यू।